हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट, मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट अडी सिलेबस के स्पेशल मेंशन है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ईजी वे समझावगी, बिल्कुल समझ आ जाएगा। सो देखते हैं, फर्स्ट है फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, देखो एडजॉर्प्शन की गल है ना, ओबियसली एडजॉर्बेट तो एडजॉर्बेंट के विच क्या रही होएगी। समझाए मैं एडजॉर्बेट की होंगे, एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट जिहड़ा एडजॉर्बेट आ जिहड़ा उपर एडजॉर्ब कर रहा लाइक मक्खियाँ, ठीक है। जिदा मैं तुहानू एग्जाम्पल दिती उदा ही, तो एक छत्ता आ वह एडजॉर्बेंट का काम करता। हुण जे उन्हां दोनों के विचकार जिहड़ियां फोर्सिज आ, ठीक है, वह फिजिकल फोर्सिज आ, सिंपल फिजिकल फोर्सिज किहड़ियां, वंडरवाल फोर्सिज, सिंपल वीक वंडरवाल फोर्सिज, फिर की हो गए एक फिजिकल। जे उन्हां च कैमिकल बॉन्ड आ गए किहड़ी हो गई, कैमिकल, ठीक है, इदा याद रख। हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस के ना लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होंगी क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स, सो ऑब्वियसली लो होगी। ये केस कैमिकल बॉन्ड बनाने ज्यादा होगी, 80 to 240 होगी। ये केस तुसी फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस थोड़ा याद रखियो मक्खियां वाला कंसैप्ट, उदा ही मतलब कि यह तुम एक ट्रिक जी वाग दस रही हैं कि उन्हें की होगा, याद होगा। हूँ मक्खियों को टैंपरेचर दोगे उन्होंने उड़ जाना, एडजॉर्प्शन घट गई, मतलब उपर एडजॉर्ब नहीं होगी, उड़ जाएगियां, यानी यह लो टैंपरेचर तक होंगी। जे तुसी डिक्रीज कर दे, मतलब ये डिक्रीज कर दी विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, जे टैंपरेचर वधा दिता मक्खियां ने उड़ जाना, डिक्रीज कर जानी एडजॉर्प्शन। इट अकर एट हाई टैंपरेचर, ए कैमिकल बॉन्ड में उदा एनर्जी चाहिए है, सो इस करके तो वधूगी। देखो हुण मक्खियां जिहड़ियां उड़ गईयां तो मुड़ के वापस किहड़ा नहीं बैठ सकदियां, आई जांदियां वापस, यानी इह रिवर्सीबल। उद्दां भी फिजिकल प्रोसैस की हुंदे, रिवर्सीबल हुंदे आ, कैमिकल चेंज कोई भी की हुंदा रिवर्सीबल। इह एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करदी ईज ऑफ लिक्यूफिकेशन ऑफ गैस। देखो किसी गैस ने एडजॉर्ब करना ना, जिन्नी जल्दी लिक्यूफाई होएगी उन्नी वधिया ईजीली एडजॉर्ब, क्योंकि गैसा ने एडजॉर्ब करना उदा तो औखा ना, गैसा उड़दियां, जे लिक्यूफिकेशन उहदी जल्दी हो जाएगी उन्नी एडजॉर्प्शन की हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। बस ए च इदा का कोई कंसैप्ट नहीं हुंदा, ए च कहिंदा हुंदा नेचर ते, जिन्ना कैमिकली रिएक्ट करदी है। देखो कैमिकल बॉन्ड बने, सो इच तां रिएक्शन देखांगे ना, जिन्नी कैमिकली कोई गैस रिएक्ट करूगी उन्नी वधिया की करूगी एडजॉर्ब, सो इच ए पॉइंट चेंज हो जाणा। ए स्पैसिफिक नहीं हैगी नेचर च, स्पैसिफिक नहीं हैगी मतलब ऑल गैसिज जिहड़ियां आ सेम, ऑल गैसिज जिहड़ियां हैगियां एडजॉर्ब करदियां ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड टू द सेम एक्सटेंट, सेम एक्सटेंट ते एडजॉर्ब कर दी है, ठीक है। पर इहदे विच इह स्पैसिफिक आ, सारिया ने सेम नहीं करना, यह डिपेंड करता उस बॉन्ड फॉर्मेशन किदां दी है, जिन्ना वधिया बॉन्ड उन्नी वधिया की होएगी उन्हां च एडजॉर्प्शन हो जाएगी। सो इह च ना ही सानू, फिर देखो लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ना ही च सानू कोई ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की लोड़ है, वीक वंडरवाल फोर्सिज है, सो इस करके ज्यादा सानू इह च एनर्जी का कॉन्सैप्ट नहीं चाहिए। बट इहदे विच कैमिकल बॉन्ड बनाने ते ऑब्वियसली हाई जिहड़ी सानू एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत हैगी। द स्टेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज सेम एज इन बल्क, इतने स्टेट सेम रही, स्टेट में कोई फर्क नहीं पैंता, बट इस स्टेट जी चेंज हो जाती है। देखो इतने मल्टी मॉलिक्यूल, मैं क्या ही ना इस केस मक्खियां वाला याद रखियो, मक्खियां उपर तो उपर लेयर बना दी ना, एक लेयर मक्खी की एक उपर उपर उपर, यह मल्टी मॉलिकुलर लेयरस है, ये मोनो मॉलिकुलर लेयर बनती। इस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इनक्रीजिज विद इनक्रीज इन प्रेशर ऑफ, यानी उपर कि मक्खियां आगे बैठ जाएं, प्रेशर उपर 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 उन्नी एडजॉर्प्शन की होगी, ज्यादा होगी, बट इस उल्टा है, यह घटेगी। लास्ट पॉइंट सेम रहेगा, सरफेस एरिया जिन्ना वधेगा उन्निया मक्खियां ज्यादा आके बैठगी, वो इस भी सेम रहना कि सरफेस एरिया जिहड़ा आ जिन्ना वधेगा उन्ना इनक्रीज की होएगा एडजॉर्प्शन, उन्नी ज्यादा बढ़ेगी। सो ठीक है, देखो कितना इजीली याद हो गई ना ये चीजा, ये तो मक्खियां तो याद हो गया, मक्खियां के छत्ते तो ही, ठीक है। सो एक ट्रिक जी है, मतलब उन्होंने सीरियस ना लेके चलियो, एक समझन का तरीका चीजा किदा याद रखा जा सकता है, ये तो बिल्कुल उस पॉइंट उल्टे ही चलन गए, ठीक है। एक दो पॉइंट तुम याद करने पैणगे, बाकी तो कॉन्सैप्ट उ चलेगा। सो ये बहुत ईजी से इनू कर लेना, फिजिकल एडजॉर्प्शन कैमिकल एडजॉर्प्शन डिफरेंस। पेपर से जो क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट पाई होगी, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, ठीक है, यह पूछेगा फिजिकल एडजॉर्प्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं हैगी, हो सकता इधर लिख दे मोनो मॉलिकुलर लेयर, बट तुम्हें पता जी फिजिकल तो होंगी मल्टी मॉलिकुलर लेयर, सो इदा उन्हें ऑप्शन चार पा देने तो इधर डिफरेंस क्वेश्चन आ जाना, ठीक है। चंगी तरह कर लेना, जो तुम्हें वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।